किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही अमेजिंग सी किड्स रेसिपी। शायद अभी तक आपने ट्राई नहीं की होगी इंजेक्शन वाले चॉकलेट। ये मार्केट में अवेलेबल हैं, ज़्यादातर बच्चे सभी लाते होंगे ये इंजेक्शन वाले चॉकलेट। मेरा बेटा भी ये खरीद करके लाया था। ये कोई डॉक्टर वाले इंजेक्शन नहीं है, ये चॉकलेट वाले इंजेक्शन है। हुआ ये कि कल लेकर के आया था रात को, तो ये ख़त्म हो गए थे, मतलब उसने खाया तो ये ख़त्म हो गए। उसके बाद वो फिर से सुबह जिद करने लगा कि मुझे ये इंजेक्शन वाले चॉकलेट चाहिए। अब जब हम शॉप पे गए लेने के लिए तो ये इन चॉकलेट इंजेक्शन वाले चॉकलेट की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि ये ख़त्म हो गया शॉप पे। अब वो फिर से माल आएगा, फिर मिलेंगे मतलब कल तक। तो हमने सोचा यार परेशान कर रहा है, जिद पे अड़ा था कि चलो दूसरी शॉप पे चलो, हमको यही इंजेक्शन वाले चॉकलेट खरीद कर दो। तो हमने सोचा यार बच्चा है जिद तो करेगा। फिर हमने एक चॉकलेट ले ली डेरी मिल्क वाली, ये 10 रुपीज़ वाली डेरी मिल्क हमने ले ली। एक क्या ली हमने, दो। हमने सोचा चलो घर पर ही बनाएंगे, उसको हमने आज स्कूल भेज दिया और अभी वो स्कूल से आया नहीं है, स्कूल से आएगा उससे पहले ही हम ये चॉकलेट बना करके तैयार कर लेंगे इंजेक्शन वाली चॉकलेट। तो उसकी जिद भी पूरी हो जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। मतलब मेरा जो दिमाग खा रहा है, सर दर्द कर रहा है, जिद कर रहा है इंजेक्शन वाली चॉकलेट चाहिए, ये भी हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं ये इंजेक्शन वाली चॉकलेट जो आजकल सभी बच्चों को पसंद आ रही है। जहाँ जहाँ ये अवेलेबल है वहाँ तो स्पेशली ये बहुत खरीदे जा रहे हैं। तो चलिए घर पर ही बनाते हैं ये इंजेक्शन वाली चॉकलेट। तो ये इंजेक्शन वाली चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी गर्म कर रहे हैं, आधा ग्लास पानी यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं। पानी को अच्छे से बॉइल हो जाने देंगे, उसके बाद हमें ना ये जो डेरी मिल्क चॉकलेट है इसे हमें मेल्ट करना है। ऐसे ही रैपर के साथ इसे मेल्ट कर लेंगे। और ये जो इंजेक्शन है, जो ये चॉकलेट वाले, ये हमने ना गर्म पानी से साफ़ कर लिए थे, हल्का गर्म पानी कर लिया था। इसमें हमने ऐसे ही से बाहर निकाल के इसमें हमने गर्म पानी डाला था, तो जो इसमें चॉकलेट पहले से थी वो सब एकदम साफ़ हो गई, बढ़िया से एकदम हमने इसे साफ़ कर लिया है। तब हम इसे घर पर बना रहे हैं और पानी भी देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। और गर्म पानी में ये डेरी मिल्क चॉकलेट हम ऐसे ही डाल देंगे और एक चॉकलेट हम और डाल देते हैं। अगर वो कम पड़ी ना तो ये भी एक साथ ही मेल्ट हो जाएंगी, वरना अलग अलग मेल्ट करनी पड़ेगी। और चॉकलेट दोनों देखिए देखिए बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है, ये देखिए। अच्छे से मेल्ट हो गई है और चॉकलेट बढ़िया से मेल्ट हो गई है। तो इसको हम इस तरह से पहले तो पूरी चॉकलेट को नीचे इस तरह से कर देंगे हाथ से और कैंची से छोटा सा कट लगा लेना है यहाँ पे किनारे पर। और सिरिंज का ये निकाल देंगे ऊपर का कैप और इसमें इसे देखिए हम भर दे रहे हैं। एक चॉकलेट तो आ जाएगी इसमें। अच्छा रहा हमने दोनों ही चॉकलेट गर्म पानी में डाल दी थी, क्योंकि हमको लग रहा था पहले एक चॉकलेट में भर जाएगी, लेकिन नहीं, ये दो चॉकलेट में भरेंगी। लेकिन थोड़ी सी इसमें हम स्पेस रखेंगे और अभी ये बहुत मेल्ट है इसलिए नीचे से इसका देखिए कैप जो इसमें था ना वो कैप तो हो गया था, लेकिन अभी इसे फ्रिज में रख देंगे हल्का सा टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उंगली लगा लेते हैं इस तरह से और इसके ऊपर, और ये हमने देखिए लास्ट में हमने थोड़ा सा स्पेस रखा था वहाँ पे हमने ये इसका पीछे जो कैप होता है ये लगा दिया है सिरिंज का। तो ये हमारा एक चॉकलेट इंजेक्शन बनकर के तैयार है। तो इसे ना अभी हम इसे इस तरह से ही सीधा रखेंगे, तो उसके लिए हम एक ग्लास ले लेंगे
और ऐसे रख देंगे। तो ये हमारे दो चॉकलेट इंजेक्शन बनकर के तैयार हो गए हैं। और ये चॉकलेट इंजेक्शन जो है ना, ये ऐसे मिल्ट वाले ही खाए जाते हैं, ऐसे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसे अगर फ्रिज में रख देंगे तो ये चॉकलेट टाइट हो जाएगी, फिर ये नहीं खाते बनेगी, क्योंकि इसमें प्रेस करेंगे बहुत टाइट दिखेगी। क्योंकि हमारा बेटा जब ये लाया था तो हमने फ्रिज में रख दी थी कल, तो थोड़ा सा टाइट हो गई थी, फिर जब कुछ देर बाहर रखी तो मिल्ट हो गई थी, फिर आराम से उसने खा ली थी। तो बस इसको यहाँ से प्रेस करना है और इसे खा लेना है। हम तो नहीं प्रेस करेंगे क्योंकि हमारे बेटे को खाना है, अगर हमने खा ली तो हमें फिर से बनाना पड़ेगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। चॉकलेट अभी थोड़ी सी रखी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारी ये किड्स चॉकलेट इंजेक्शन, आजकल बड़ी डिमांड में है ये बच्चों के। और इसी के साथ सभी को राधे राधे, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ।